तो मैं किसी के बाप की गुलाम हूं क्या? मैं किसी की बिकी हुई हूं क्या? मेरा जब दिल करेगा मैं चैनल पे आऊंगी, किसी का नहीं दिल करेगा नहीं आऊंगी। सीमा भौंक रही है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। जब तुम मारते थे और जब वो चार बच्चे उसने पैदा किए तेरे साथ बेड पे, वो दिन नहीं याद दिलाए तूने? तो कहीं ना कहीं हैदर को भी बद्दुआ लगी हुई है अपनी पहली बीवी और बच्चों की। देखिए बद्दुआ असर तो करती है भाई। मैं दम नहीं है, दो मारो चांटे रास्ते में, जाकर सारा भूत उतर जाएगा राम मंदिर का। तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर जाएंगे ना, जब तुम्हारे जिगर के टुकड़े तुमसे दूर जाएंगे, और वो भी वो वाले जिनके लिए तुम सात समुंदर पार कमाने के लिए गए हो, कभी तुम ऑटो चलाते हो। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि पूरी यूट्यूब फैमिली भाई बहन सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। दोस्तों बात करेंगे सीमा बेशरम, सीमा भगोड़ी को लेकर। दोस्तों आप सब जानते हैं कि सीमा भगोड़ी गुलाम हैदर का एक इंटरव्यू आया था, यानी उनकी बातचीत हुई थी एक चैनल पर। चैनल के जो पत्रकार थे वो यानी पक्षपात कर रहे थे, यानी सीमा की सपोर्ट कर रहे थे, तो उस पर जो है गुलाम हैदर भी भड़के थे दोस्तों। लेकिन आज हमारी आस्थामा जी की एक वीडियो आई, आस्थामा जी जो इंसानियत के लिए आवाज उठाती हैं दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर, आप सब ने पता है। तो उन्होंने जो है आज उस पत्रकार को लेकर, सीमा भगोड़ी को लेकर, सचिन मीणा को लेकर, इन सब को लेकर, यानी उनकी सबकी बैंड बजाकर रख दी, और दोस्तों काफी गुस्से में जो है हमारी आस्थामा जी नजर आई। इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों सुनिए आस्थामा जी ने क्या कहा। बच्चे जो है सिर्फ तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं, अगर कल ये बच्चे मेरे पास तो आएंगे 100% ये बच्चे मेरे पास आएंगे, जब तुम तड़पोगी इन बच्चों को के लिए, और जब तुम कहोगी कि मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दो, बात करवा दो, तो मैं तुम्हें करवाऊंगा, मैं तुम्हारी तरह नहीं करूंगा। तू बोला कि अच्छा मेरे से नहीं, रीमा से बात करा दो, रीमा को तो पहचानेगी। ये बहुत सारे ऑप्शंस दिया, लेकिन काहे तो ये ढीठ औरत का जरा भी दिल पसीजेगा एक पिता के लिए ना? नहीं। और दूसरी तरफ वो मतलब वो उसको ना बोलने दिया जा रहा है, उसके ऊपर ये बोला गया कि तुम्हारी तो पिटाई हुई, तुम्हारी तो वहां पिटाई हुई, तो उसने कहा कि क्या सबूत है आपके पास, तो कहा कि मैं मुझे दो मतलब एक मिनट दे दो, क्योंकि इस जिस मोबाइल से मैं बातचीत कर रहा हूँ उसी मोबाइल में वो फोटो है, तो मुझे एक मिनट दे दो, मैं वापस आके उसको दिखाऊंगा। तुम भूल गए कि तुम मुझे कैसे मारा करते थे हैदर? तुम भूल गए कि तुम्हें याद है कि तुमने मेरे मुंह में मिर्ची डाली थी? और ऐसी स्थिति में अगर वो पिता करे तो क्या करे बताओ? कि पहली बात तो मैं मीडिया वालों से कहना चाहती हूँ कि मीडिया वालों, अगर तुम दो पक्ष को बिठा रहे हो तो कम से कम दोनों पक्ष की बात तो सुनो। और मैं तो मीडिया वालों को कहती हूँ कि भाई मुझे बिठाओ ना, मुझे क्यों नहीं कभी बिठाते ये लोग, सीमा के साथ, हैदर के साथ मुझे क्यों नहीं बिठाते, मुझे बिठाए। और शर्म आनी चाहिए लोगों को, अगर तुमने हैदर की बात सुननी नहीं थी तो हैदर को तुमने बिठाया क्यों? ठीक, अगर तुमने हैदर की बात, मैं तो कहती हैदर बेवकूफ है, उनको कह रहा एक मिनट दो, एक मिनट दो, मैं आपको सबूत देता हूं। अरे तू काट देना फोन, तू फोन काट के जा, इनकी क्या औकात तुझे एक मिनट दे ना दे मीडिया वाले, तू काट दे फोन, अकेली बोलती रहे मीडिया में। तो कहने का मतलब ये है, ये सब मीडिया मूडिया सब मिली हुई है भाई इनके साथ, ठीक है, मीडिया इसकी है सीमा की। अगर मीडिया सही होती तो दोनों तरफ का पक्ष दिखाती, दोनों तरफ की बात दिखाती है ना, और हैदर को बात करने का मौका देती। सीमा भौंक रही है, मीडिया वाला नहीं नहीं आप जाओ, नहीं 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 आप काट नहीं सकते। भाई आप कौन, आप कौन, क्यों नहीं काट सकता, क्यों नहीं बस, तुम उसको कहो लाओ सबूत दिखाओ भाई। मुझे कोई कहे नहीं नहीं आप चैनल छोड़कर नहीं जा सकती, आप सबूत यही दिखाओ, तो मैं किसी के बाप की गुलाम हूं क्या? मैं किसी की बिकी हुई हूं क्या? मेरा जब दिल करेगा मैं चैनल पे आऊंगी, किसी का नहीं दिल करेगा नहीं आऊंगी। धक्का है कोई, तुम इंडिया में, इंडिया में हो तो इसका मतलब तुम सीमा की बात करोगे, एक बाप रो रहा उसकी बात नहीं सुनोगे? उसकी बात भी सुनो ना, ढंग से सुनो। सीमा भौंक रही है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। जब तुम मारते थे और जब वो चार बच्चे उसने पैदा किए तेरे साथ बेड पे, वो दिन नहीं याद दिलाए तूने? कि जब मिस कॉल से हमारा खेल शुरू हुआ था, वो दिन नहीं याद दिलाए तुमने? ये नहीं कहा कि मैं अपने शहर से भागकर आकर तेरे से मैंने शादी की, और मैंने जबरदस्ती शादी की, और मैंने फिर तेरी बीवी के साथ तलाक भी करवाया? तो कहीं ना कहीं हैदर को भी बद्दुआ लगी हुई है अपनी पहली बीवी और बच्चों की। देखिए बद्दुआ असर तो करती है भाई, चाहे लेट करे, सच्चाई तो सच्चाई होती, झूठ झूठ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मीडिया वाले, मेरे को तो बहुत हैदर पे गुस्सा आ रहा था कि तू कह रहा है मुझे दो मिनट दो, वो कौन होते तुझे दो मिनट देने वाले?
बात करने वाला तू, तुझे क्या जरूरत है, तू छोड़कर जाना चैनल, तू अपना ला सबूत। इसने ये तो नहीं बताया कि मैं हैदर का मकान बेचकर भाग आई हूं, मैं कैसे कैसे किस किस के कहां कहां से नीचे ऊपर लेट लेट कर आई हूं, मैं चार सीमाएं कैसे पार करके आई हूं। पत्रकार पूछो ना, हिम्मत है? हिम्मत है जयचंदो में, हिम्मत नहीं है किसी में, सिर्फ चाटू करनी कान करनी आती है। ये वो लोग हैं जो जमी पर चाट जाते हैं भाई, सच्चाई पूछने का दम नहीं है। पता हम सीमा से सच्चाई पूछेंगे तो भाग जाएगी चैनल छोड़ के, इनमें दम नहीं है तो झूठ भी क्यों दिखाते हो? अगर तुम किसी का सच नहीं दिखा सकते तो तुम्हारे झूठ दिखाने का भी क्या हक है भाई? चाहे कितनी भी पत्रकारी करो, कुछ भी करो, भगवान को तो जान देनी है, उसके घर में तो जवाब देना है कि उसके घर में भी जवाब नहीं देना तुम्हें। तुम एक बंदे की बात सुन रहे हो, दूसरा कह रहा है मेरी बात सुन लो, मेरे बच्चों की बात सुन लो, मेरे बच्चों में दोनों अकेले अकेले बोल रहे हैं, उसकी कोई सुनी नहीं। मैं तो कहती बिल्कुल उसको बंद कर देना चाहिए था हैदर को चैनल, बिल्कुल उसी टाइम काट देना चाहिए था कि सुनो अगर मेरी बात नहीं सुननी तो ये लो, लगाता खत्म, ठप्पा लगा देता क्रॉस के ऊपर, लो जी खत्म कहानी। अरे उसकी सुनता कौन है हमें? देखो मैं फिर कहती हूं, ना मुझे किसी पाकिस्तान से कुछ लेना, ना पाकिस्तान वालों से कुछ लेना, मैं सिर्फ सच हक की बात करती हूं कि वो इंसान, सिर्फ एक बाप की बात करती हूं कि बाप को इंसाफ मिलना चाहिए। कुछ भी कोई बोले, कुछ भी कोई भौंके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर जाएंगे ना, जब तुम्हारे जिगर के टुकड़े तुमसे दूर जाएंगे, और वो भी वो वाले जिनके लिए तुम सात समुंदर पार कमाने के लिए गए हो, कभी तुम ऑटो चलाते हो, कभी तुम वहां पर टैले लगाते हो, है ना, कभी तुम लोगों के झूठे बर्तन साफ करते हो, और वही बच्चों को लेकर तुम्हारी बीवी भाग जाए, तो तब पता लगेगा जो आज इस बात का मजाक उड़ाते हैं, है ना। वो तो यहाँ पर याशी कर रही है, अपना कोठा चला रही, पहले पाकिस्तान कोठा था, अब वो नाम चेंज हो गया है क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की नहीं ज्यादा हुई थी, यहाँ पर तरक्की हो गई। वो कहते ना जब नाम बड़ा होना चाहे तो फिर हम अपना उसके काम का नाम बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर कोठा खुल गया, तरक्की हो रही है यहाँ पर। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है कि इसने मतलब लोग देखो अभी मैं अभी एक इसी फोन में है, मतलब मीडिया को बयान दे रही है और इसको कुछ हो रहा है कि मेरे पीछे बैठे घूम के ऐसे दे रही है, तो उन्होंने इशारे से कह दिया। मतलब ये वो होते हैं ना कि मतलब एक गूंगे बैरों का स्कूल होता है कि वो चलाते हैं, ये वो वाला स्कूल भी चलता है इनके यहाँ पे कि तुम इशारों ही इशारों में मैं ये कहूंगा तो तुम ये समझ जाना, ठीक, इनके यहाँ ये भी चलता है, हैं? और बेशर्मी मैं कहती हूं कि मैंने जिंदगी में ऐसी बेशर्मी पहली बार देखी है, चाहे वो मर्द की हो चाहे वो औरत की हो, मतलब एक जिल्लत भरी, सच में इतनी बेशर्मी से इंसान कहता है कि मैं पंखे से लटक जाऊंगा पर बेइज्जत नहीं होऊंगा। और यहां पर कोई फर्क नहीं, मतलब भैया अगर अगर सवाल पूछ लेता, अगर वो पूछ लेता पत्रकार सीमा से सच्चाई, सीमा भाग जाती, उसका चैनल कहां से चलता? अरे ना भारत मेरे से बात करे ना, मेरे को बिठाए सीमा के साथ, हैदर को भी बिठाए, वकील साहब को भी बिठाए, सबको बुलाए मुझे चैनल पे। राम मंदिर जाएंगे, जाओ राम मंदिर जाओ, अगर 140 करोड़ लोगों को, 100 करोड़ लोगों को, हिंदुस्तान के हिंदुओं को नहीं दिख रहा तो क्या मेरी डबल आंखें लगी है, मुझे ज्यादा दिखेगा? अगर इनको नहीं लग रहा, कोई मैंने टेंडर पास कर रखा है, कोई मेरे को फंडिंग आ रही है, कोई मुझे कुछ अलग से दे रहा है कि मैं अकेली लड़ू? भाई आस्था में आप लड़ो, किससे लड़ू? कल को मेरी जमानत कौन कराएगा बताओ, कौन कराएगा? यहाँ पर 100 रुपया तो किसी से सहयोग नहीं होता, कोई मतलब कंबल बांट रहे हो, कोई कपड़े लाने हो, कोई चीज लानी हो, ये लोग मेरी जमानत करवाएंगे? सब भाग जाएंगे कि अरे आस्था माँ को क्या पड़ी थी, आराम से अपना बैठती, क्या जरूरत थी आस्था माँ को पंगा लेने की? भैया मुझे अकेली दिख रही है राम मंदिर जाती, तुम में दम नहीं है? दो मारो चांटे रास्ते में, जाकर सारा भूत उतर जाएगा राम मंदिर का। कहते हैं इनके भाई साहब कि इनको तो पहले इलाहाबाद ले जाएंगे, फिर वहां से अयोध्या जाएंगी, और अयोध्या के बाद ये फिर मथुरा आएंगी, और उसके बाद फिर वापसी इनकी होगी, ये पूरा यात्रा चलेगी इनकी। और यात्रा में अभी
दिक्कत आ गई है क्योंकि किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया है, तो ऐसे में जो है इसको अब इस यात्रा को अब आगे पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। से भाड़ में जाए, आप हाँ गंगा में लाओ या इसको गंदे नाले में डुबकी लगाकर लाओ, है ना, इसको कहीं भी कुछ भी करो, हमारी बला से कहीं भी करे कुछ भी, अगर किसी का जमीर जिंदा होगा तो कहीं वही बोल पड़ेगा कोई। मैं मेरे को तो बहुत इस चीज का बुरा लग